पर। और आज हम इस वीडियो में आपको ट्राई कलर फैन बनाना सिखाएंगे, पंखा यानी कि तीन कलर से बनाए पंखा बनाना सिखाएंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक ऑरेंज कलर की शीट ले लीजिए। अब इसको एक बार आगे इस प्रकार, फिर एक बार पीछे, ऐसे, फिर दूसरी बार आगे इस प्रकार कर करके आगे, देखिए अब आगे की बारी है, अब पीछे, फिर आगे इस प्रकार कर कर इन तीनों को इसी प्रकार से तीनों रंगों की शीटों को मोड़ दिया है। आप देख ही सकते हैं ये कैसी बन गई हैं। अब मैं इन्हें फेविकोल की सहायता से चिपका दूंगी। सबसे पहले हम ऑरेंज रंग की शीट पे यहाँ पर फेविकोल लगाएंगे। आप चाहे तो ग्लू ले सकते हैं, चाहे तो फेविकोल ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए अब मैंने इस पे ये चिपका दिया है। अब हम इस पे ग्रीन भी चिपका देंगे। ये देखिए अब मैं इस पर ग्रीन भी इसी प्रकार से चिपका दूंगी। ये देखिए जी ग्रीन कलर की शीट है हमारी, इसको भी मैंने इसी प्रकार से इस पर चिपका दिया है। ये देखिए अगर आपका ये थोड़ा साइड से फालतू कट हो जाता है तो इसमें कोई खास बात नहीं है, फिर भी अगर आपको लग रहा है तो आप इसे कैंची की सहायता से काट सकते हैं। मैं आपको अभी काट कर बताती हूँ। ये मेरे पास एक कैंची है, मैं इसकी सहायता से इन्हें इकट्ठा करके और जो ये हमारा एक्स्ट्रा पोर्शन है इसे इस प्रकार से काट रही हूँ। ये थोड़ा मोटा है तो आपको अगर थोड़ी दिक्कत आ रही है काटने में, तो अगर ना भी काटे तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, क्योंकि ये तब भी ऐसा ही बनेगा। ये देखिए ये मैंने एक काट दिया है, दूसरी साइड से भी मैं इसे इसी प्रकार से काट रही हूँ। आपको काटने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए आप थोड़ा धैर्य से काटेंगे। देख सकते हैं मैंने इसमें दोनों साइड से बिल्कुल ये जो एक्स्ट्रा पार्ट था हमारा इसको काट लिया है, और ये बिल्कुल इक्वल बराबर हो गया है दोनों साइड। ये देखिए आप देख ही सकते हैं ये दोनों साइड से बिल्कुल बराबर हो चुका है। अब हम इसे पंखा बनाने के लिए इसे इस प्रकार से, देखिए ये हमारा मुड़ गया है, ये देखिए, और यहाँ पर हम इसको यहाँ पर टेप लगाएंगे। ये देखिए आप देख ही सकते हैं कि ये हमारा कितना अच्छा पंखा बन गया है, बिल्कुल तैयार हो चुका है अभी। अगर आप चाहें तो यहाँ पर फेविकोल भी लगा सकते हैं टेप की बजाय, चाहे तो आप टेप लगाएं, चाहे तो आप फेविकोल लगाएं। ये देखिए मैंने टेप काटी और यहाँ पर इस प्रकार से आप इसे लगाएंगे। ये देखिए इस प्रकार से साइड में भी लगा दीजिए, दो एक टेप साइड इस साइड लगा दीजिए, एक टेप दूसरी साइड। ये देखिए इस प्रकार से दूसरी साइड पर भी आप इसी प्रकार से टेप लगा दीजिए। ये देखिए ऐसे, और इस प्रकार आपका ये पंखा बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसके साथ देखिए इस प्रकार से हवा भी कर सकते हैं। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इसे घर में अवश्य ट्राई करें, बहुत ही अच्छा पंखा बनेगा आपका भी। और ऐसे ही खेल खेल में पढ़ाई करते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए।